वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्डर हॉल सीरीज का फिफ्थ पार्ट। इस वीडियो में हम आपको बिल्डर हॉल 8 की अटैक स्ट्रेटजीज दिखाने वाले हैं। तो बिल्डर हॉल 8 पे एक नया डिफेंस अनलॉक होता है मेगा टेस्ला, और एक नया ट्रूप अनलॉक होता है सुपर बिग का। तो आज हम तीन अलग अलग आर्मी से बिल्डर हॉल 8 पे 3 स्टार कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसके साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम सीओसी रिलेटेड जो भी कंटेंट डालेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अभी पहला अटैक 4 सुपर पिक्कास, 5 बॉम्बर्स और 20 बारबेरियंस के साथ करते हैं। आपको ये अटैक करते वक्त पूरा अटैक मल्टी मोटर के साइड से करना है। आप आर्मी कंपोजिशन देख सकते हो, यहां पे आ चुके हैं 5 बॉम्बर्स, उसके पीछे से 2 सुपर पिक्कास, उसके पीछे से आई है पैटल मशीन और 1 सुपर पिक्का। बारबेरियंस आपको गार्ड पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करने हैं, वरना गार्ड पोस्ट आपका पूरा 1 पिक्का खा जाएगा। और बचे हुए जितने भी बारबेरियंस हैं वो आप जैसे ज़रूरत पड़े वैसे यूज़ कर सकते हो। लावा लॉन्चर डाउन हो चुका है, यहाँ पे गई मल्टी मोटर, मेगा टेस्ला भी हो चुका है डाउन, दोनों क्रशर हो चुके हैं डिस्ट्रॉय। आखिरी 3 डिफेंस बचे हैं, यहाँ पे गया बिल्डर हॉल, और ये आखिरी डिफेंस भी हो चुका है डाउन। और ये आखिरी 2 बिल्डिंग्स, और ये हो चुका है 3 स्टार। तो चलिए अभी सेकेंड अटैक देखते हैं। इस अटैक में हमने 4 सुपर पिक्कास और 4 विचेस का यूज किया है। यहां पे 3 सुपर पिक्कास आ चुके हैं। आपको विचेस तभी छोड़ना है जब इस सारे डिफेंसेस का टारगेट पिक्काज या फिर बैटल मशीन पे लॉक हो जाए, उससे पहले नहीं छोड़ना है आपको। और यहाँ पे हमें बारबेरियंस की वैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विचेस जो बैट्स जनरेट करती है वो भाई बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ पे मल्टी मोटर हो चुकी है डाउन, यहाँ पे गया बिल्डर हॉल, यहाँ पे गया लावा लॉन्चर, अभी सारे डिफेंस बचे हैं। यहाँ पे डबल कैनन हो चुकी है डिस्ट्रॉय, मेगा टेस्ला भी हो चुका है डिस्ट्रॉय, और ये अभी आखिरी क्रशर बचा है, और ये हो गया है 3 स्टार अटैक। तो चलिए अभी देखते हैं मेरी फेवरेट ड्रॉपशिप अटैक स्ट्रेटजी। तो इस अटैक में हम लोग यूज करेंगे 30 मिनियंस एंड 6 ड्रॉपशिप्स। तो ये अटैक करते वक्त हमें एयर बॉम्ब के अपोजिट साइड से अटैक करना है। बिल्डर हॉल की एक साइड पे एयर बॉम्ब होना चाहिए और उसके अपोजिट साइड से हमें अटैक को शुरू करना है। हमें पहले सारे हमारे 30 मिनियंस डाल लेने हैं, और उनकी जो एबिलिटी होती है लॉन्ग रेंज की, उसका हमें पूरा यूज़ करके लेना है। और एक बार लगे कि वो एबिलिटी ख़त्म होने आई है, तब हमें 4 ड्रॉपशिप डिप्लॉय कर देनी है,
और बचे हुए दो ड्रॉपशिप जैसी ज़रूरत पड़े आगे वैसी यूज़ करनी है। यहाँ पे आ चुकी है बैटल मशीन। बैटल मशीन का आप यूज़ फनेलिंग के लिए कर सकते हो, या फिर इस बेस की तरह अगर फायर क्रैकर्स या एयर बॉम्ब कॉर्नर पे हो तो कर सकते हो। यहाँ पे मल्टी मोटर हो चुकी है डाउन, बैटल मशीन ने फायर क्रैकर को कर दिया है डाउन। यहाँ पे गया मेगा टेस्ला, यहाँ पे हो चुका है डाउन बिल्डर हॉल, और एयर बॉम्ब भी हो चुका है डिस्ट्रॉय। आखिरी 6 बिल्डिंग बचे हैं। और ये लास्ट डिफेंस भी हो चुका है डाउन, और ये अटैक भी हो चुका है 3 स्टार। तो चलिए मैं आपको और एक ड्रॉपशिप का अटैक दिखा देता हूं, क्योंकि इस अटैक में हम लोग बहुत इजीली 3 स्टार निकाल सकते हैं। वही स्ट्रेटेजी से हमको अटैक करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इस अटैक में हमने बैटल मशीन को फनेलिंग के लिए यूज किया है। आप देख सकते हो पूरा अटैक सेम है। मल्टी मोटर हो चुकी है डाउन, यार बहुत ही इजी टेक्निक है। यहां पे रोस्टर हो चुका है डाउन, अभी सिर्फ एयर बॉम्ब बचा है। यहां पे हो चुका है एयर बॉम्ब डाउन, और ये अभी अटैक हो जाएगा इजीली 3 स्टार। आप देख सकते हो कितने मिलियन बचे हैं हमारे। ये अटैक हम लोग बिल्डर हॉल 7 पे भी यूज कर सकते हैं। और ये लास्ट बिल्डिंग भी हो चुकी है डाउन, और ये हो गया है 3 स्टार अटैक। तो दोस्तों अभी तक हमारे बिल्डर हॉल सीरीज के 5 पार्ट आ चुके हैं। बिल्डर हॉल 4 से लेकर हमने बिल्डर हॉल 8 तक सभी बिल्डर हॉल के अटैक स्ट्रेटेजीज बताई है। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है तो हमने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी क्लैशिंग।